इकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि लोग सिर्फ शहरों के डूबने और जमीन समर्ज होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान जंगल के इस तरह बर्बाद होने की ओर नहीं आ रहा। फिलहाल इस खत्म होते जा रहे हजारों एकड़ जंगल की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है और इसका कोई हल भी नहीं है। इसके अलावा तूफान और सुनामी की वजह से भी जंगल तक खारा पानी पहुंचता है और हरे भरे पेड़ को लाशों में तब्दील कर देता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक पूरी तरह से नाउम्मीद नहीं हुए। वन विशेषज्ञों का ये मानना है कि खारे पानी से दूरी पर पेड़ लगाते रहना चाहिए, तभी जंगल दोबारा बन पाएगा, वरना इस तरह भूतिया जंगल हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। इस भूतिया जंगल के पीछे कोई सुपर नेचुरल कहानी नहीं है, बल्कि इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसे सुधारा जा सकता है। तो ये थी भूतिया जंगल की सच्चाई।